हिंदुओं के मन मंदिर में जो भगवान का एक स्वरूप बसा है, आकृति बसा है, उसको परिवर्तित कर मुगलों की तरह समावेश करवाना बालीवुड के जहन में हो गया है। इनको तो फांसी दे देना चाहिए कि धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम है, सीता मेरी जगत जननी है, मैं उनकी उपासना करता हूँ, मेरे आदि पुरुष राम जी हैं, और इन पर कोई टिप्पणी करे तो गलत बात है। जो चीजें गलत होती हैं वो गलत होती हैं, उसके लिए आप हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो चीजें गलत हुई हैं उसको हटाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, उसका बहिष्कार करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगी कि आदि पुरुष को कतई देखने नहीं जाना चाहिए, और वो हमारी मर्यादित चीजों के लिए भ्रष्ट है। फिल्म आदि पुरुष पर जमकर बवाल हो रहा है। आम जनता से लेकर फिल्मी सितारों तक सभी फिल्म को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कई जगहों पर फिल्म निर्माताओं के खिलाफ FIR तक दर्ज की जा चुकी है। दूसरी ओर रामानंद सागर की रामायण से जुड़े कलाकार भी मेकर्स और एक्टर्स पर खूब बरस रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने फिल्म पर छिड़े संग्राम पर अयोध्या के साधु संतों और जनता से बात की। आप भी देखिए आदि पुरुष के बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। मैं हूँ विशाल श्रीवास्तव। करोड़ों के बजट से बनी फिल्म आदि पुरुष, जिसकी लोगों के मन में थी काफ़ी जिज्ञासा, पर अब वो आलोचना बनकर रह गई है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य और डायलॉग पर लोगों ने आपत्ति की है। हम अयोध्या के साधु संत और आम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्म में कौन सी ऐसी सीन है जिससे लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। आदि पुरुष भगवान राम के जीवन पर आधारित कोई पटचित्र कथा नहीं, कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक प्रकार का जिहाद है। आदि पुरुष जैसी बॉलीवुड फिल्में वस्तुतः वैसे ही भारत में प्रभाव कर रही हैं। जिस प्रकार से मुगलों ने मंदिरों को मस्जिद में और हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार से बॉलीवुड की फिल्में हमारे मन मंदिर में बसे भगवान के स्वरूप को फिल्म जिहाद के माध्यम से बाहर निकालने के लिए हमारे भगवानों को मुगल की तरह दिखा, हमारे दृष्टिकोण को मुस्लिमों की ओर आकर्षित करा, कन्वर्ट करने की साजिश और भगवान के उत्तम चरित्र को दूषित करने का दुस्साहस प्रयास कर रही हैं। हिंदुओं के मन मंदिर में जो भगवान का एक स्वरूप बसा है, आकृति बसा है, उसको परिवर्तित कर मुगलों की तरह समावेश करवाना तथा इससे जिहाद धर्मांतरण जैसी प्रक्रिया को बढ़ावा देना तथा सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धज्जी उड़ाना बॉलीवुड के जहन में हो गया है। मोदी जी को चाहिए कि इन लोगों को बैन नहीं करना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजते हैं तो मंशा क्लियर है कि सरकार ये चाहती है कि ये गंदगी हो और देश में हिंदू मुस्लिम होता रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे, एक तरफ कांग्रेस ध्वस्त होती रहे, सपा बसपा और कम्युनिस्ट ध्वस्त होते रहें और हिंदुत्व के ठेकेदार शक्तिशाली होते रहे, यही खेल चल रहा है। मतलब ये सब जो पिक्चर हैं हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए केवल देवी देवताओं पर ही बनाते और लोगों पर क्यों नहीं बनाते। ये सारी छूट खेल हमारे सनातन धर्म राम जी पे ही और सीता जी पे चल रहा है, मतलब गलत है। इस पर अवरोध होना, इनको पकड़ के जेल बंद करना चाहिए, इनको तो फांसी दे देना चाहिए कि धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सीता मेरी जगत जननी है, मैं उनकी उपासना करता हूँ, मेरे आदि पुरुष राम जी हैं, और इन पर कोई टिप्पणी करे तो गलत बात है। आदि पुरुष फिल्म बनी हुई है, वो फिल्म जो है बिल्कुल गलत है और एकदम बकवास के तरीके बनाया गया है। रामानंद सागर जी ने जो फिल्म बनाया था उसको देखने के बाद लोगों के अंदर से भावुकता जगती थी और आंसू बहने लगता था, और जो आज फिल्म बनी है रामचरित के ऊपर, वो बिल्कुल राम जी के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये 14 कला के मालिक हैं मर्यादा राम जी महाराज, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस फिल्म को बैंड कर दिया जाए और जिसने भी इस फिल्म को बनाया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इस फिल्म को तत्काल बहिष्कृत किया जाए। ये गलत हुआ है, ये सारी चीज़ें देखकर बहुत आहत हुआ है दिल, कि जो है इतनी मर्यादित चीज़ों को इस तरह से गलत चीज़ों के साथ जोड़ के और गलत अपशब्दों के साथ जोड़ के उसको दिखाया गया है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि जब एक बहुत सीमित साधन थे रामानंद सागर जी का, बहुत आदरणीय है वो, उनका नाम बहुत अच्छे से हम लोग लेते हैं, बहुत आदर के साथ लेते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी रामायण का निर्माण किया
और उनकी रामायण आज भी हम लोग देखते हैं तो नया तरोताज़ा हो जाते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वही रामायण दिखाएं। लेकिन जब आदि पुरुष का नाम आया था तो ये लगा था कि हाँ कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ नई तरीके से चीज़ें आएंगी सामने। पर जो चीज़ें आई, 600 करोड़ की ये मूवी जो बनी है, मतलब पैसों का भी मिसयूज़ हुआ और राजनीति स्तर पर भी इसमें इतना सारी चीज़ें आई। और जो चीज़ें गलत होती हैं वो गलत होती हैं, उसके लिए आप हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो चीज़ें गलत हुई हैं उसको हटाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, उसका बहिष्कार करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगी कि आदि पुरुष को कतई देखने नहीं जाना चाहिए और वो हमारी मर्यादित चीज़ों के लिए भ्रष्ट है। तो देखा आपने, फिल्म आदि पुरुष को लेकर जनता और साधु संतों में काफी आक्रोश है। वे लोगों से फिल्म ना देखने का आह्वान कर रहे हैं। गौरतलब है आदि पुरुष के संवाद और किरदारों के पहनावे पर दर्शकों को आपत्ति थी। मामला बढ़ने पर संवाद लेखक मनोज मुंतशिर और फिल्म मेकर्स ने संवादों को बदलने का फैसला लिया था, जिसके बाद फिल्म के संवादों में बदलाव किया गया है। खैर, इन बदलावों के बाद दर्शकों को फिल्म कितनी पसंद आती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाकी देश दुनिया की तमाम अहम और जानकारी भरी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।